वेलकम इन्वेस्टर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 12 नवंबर 2020 और आज हमने एफएल इंडिया के स्टॉक को यहां पर स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या फैक्टर्स स्टॉक में हमें मिल रहे हैं कि जिससे हम इस स्टॉक को स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए हमने सिलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। मार्केट कैपिटल की अगर बात करेंगे तो 7248 का मार्केट कैपिटल है और उसके अगेंस्ट डेप बहुत ही कम है। कंपनी का कोई स्टॉक गिरवी नहीं रखा है और डेप टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.37। यहां पर देखिए मार्केट कैप टू सेल्स बहुत अच्छा है 18.2 और यहाँ स्टॉक का पी रेशियो 87.9 है और आरओई 43.5। अगर हम स्टॉक के यहाँ पर PL&L में देखे सेल्स तो मार्च 2018 से 167 के जो नंबर्स थे वो अच्छे ग्रोथ करते हुए हमें दिख रहे हैं और यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ के अगर हम नंबर्स देखें तो उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 46 से ये 2 नंबर से 3 नंबर तक पहुंच चुका है 104 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% से यहाँ पर कांस्टेंट है, एक हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 28 से ये 82 तक आ चुका है और अर्निंग पर शेयर 11.46 के अच्छे खासे ग्रोथ के साथ में 32.35 तक ये नंबर्स इंक्रीज हो चुके हैं। अब हमें स्टॉक में लेना है पोजिशनल और स्विंग ट्रेड, तो ये दोनों ट्रेडों के लिए हमने जो एफएल इंडिया के स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम इस प्रेजेंट क्वार्टर को प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते तो दिसंबर 18 में सेल्स के नंबर जहां 74 थे वहां दिसंबर 19 में 94, मार्च 19 में 60 के नंबर से यहां मार्च 20 में 80 हो गया, जून 2019 में 75 के जो नंबर्स थे वो जून 2020 में हम देख पा रहे हैं 90 हो चुके और सितंबर 19 के जो नंबर्स थे 85 से इंक्रीज होके यहां पर 3 डिजिट में आ चुके 135। इवन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें हल्का सा फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर के साथ तो इसमें भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ, इन नंबर्स में भी अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। जो दिसंबर 18 में 23 के नंबर्स थे वो 27 तक आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर तो प्रीवियस क्वार्टर के जो नेट प्रॉफिट था 16 से यहाँ पर 21 हो चुका है, 14 से 15 और 13 से 19 और 16 से यहाँ पर 27 आ चुका है। अर्निंग पर शेयर्स में भी हमें 1 डिजिट से ये 2 डिजिट में अच्छा खासा ग्रोथ अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हम जो स्टॉक है, जैसे कि हमें स्मॉल कैप के स्टॉक चाहिए और एक्सपर्ट एनालिसिस भी यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं कि 100% जो बायर से इस स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर हम चेक करेंगे होल्डिंग्स पैटर्न, क्योंकि हमें जो स्टॉक स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए चाहिए उसमें मोर देन 50% का जो होल्डिंग है वो कंपनी के पास हो। यहाँ पर देखिए टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 68.37% है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें जिनके पास 8.88% है, अच्छा खासा स्टेक उन्होंने होल्ड किया हुआ है। अब बात करेंगे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जिनके पास 10.33% का स्टेक है, इन्होंने भी अपने स्टेक में एक हल्का सा गिरावट है लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा स्टेक इनके पास भी हमें देखने को मिल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की अगर बात करें जिनके पास 8.37 है और उन्होंने प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया हुआ है। अदर पार्टीज जैसे कि हम देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो यहाँ पर 12.92% ही रिटेल इन्वेस्टर्स है और उनके पास भी एक अच्छा खासा स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम एफएल इंडिया के चार्ट की तरफ। अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पर मंथली जो ट्रेंड है वो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है और मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट पर इस लोस को और इस लोस को कनेक्ट करके एक वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर एक करेक्शन हमें देखने को मिला था कोरोना में, जो कोरोना करेक्शन था उसके बाद एक स्विंग लेते हुए स्टॉक एक अच्छे हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और अगर हम इस वीकली
चार्ट को देखें तो यहाँ पर डेली और वीकली ट्रेंड ये डाउन हो चुका है और स्टॉक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेड करते हुए हमें देखने को दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ने यहाँ से एक अच्छा हाई प्राइस पे ट्रेड किया जो कि 3125 का है, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ पर एक लोअर लो, एक लोअर हाई, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न में ये जो स्टॉक है ये हमें यहाँ पर ट्रेड करते हुए, अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स कर देते तो इस पैटर्न में जो कि एक कंसोलिडेशन स्टेज स्टॉक का अभी भी स्टार्ट है जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन है ये अभी भी स्टॉक अपने वीकली ट्रेंड का रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर जो पैटर्न है वो फॉर्मेशन हो रहा है, तो जैसे ही आने वाले कम से कम 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे ब्रेकआउट करता है तो हम इस स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद में 3130 के अबव एक लॉन्ग और स्विंग पोजीशन के लिए इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे कि ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है तो हम इस स्टॉक में ये जो बॉटम प्राइस है, इस बॉटम प्राइस जो 2620 का है इसमें भी हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और जब ये स्टॉक ऊपर जाए 2900 पे तो हम इसे सेल कर सकते हैं। तो ये था एफिलेट का हमारा एक एनालिसिस, और अभी यहाँ पर फ्रेश डिमांड जोन हमें दिख नहीं रहा है तो इसीलिए अभी हम रुकेंगे और इसको हम डेली बेसिस पे वॉच करते रहेंगे। जैसे भी इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी वैसे ही हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे फॉर अ स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।